आपने होटल ऑन व्हील्स देखे होंगे, मोबाइल वैन ऑन व्हील्स देखे होंगे, चलती फिरती गाड़ियों में मरीजों का इलाज भी होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने चलती फिरती पाठशाला देखी है? शायद नहीं। आज हम आपको ऐसी ही एक चलती फिरती पाठशाला दिखाने वाले हैं, जिसने संकल्प लिया है नोएडा में पिछड़े समाज के नन्हे परिंदों को नई उड़ान देने का। नोएडा पुलिस और कुछ सामाजिक संगठनों के इस अनोखे अभियान ने नन्हे परिंदे के तहत एक साथ मिलकर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। इधर पर बहुत अच्छा लगता है और मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। ये दीदी बहुत अच्छी है। हमारी दीदी हिंदी और गणित और इंग्लिश पढ़ाती हैं और बहुत सारे बच्चे आते हैं। नोएडा जोन के ACP रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार अलग अलग सामाजिक संगठनों, HCL फाउंडेशन और चेतना NGO के साथ मिलकर नन्हे परिंदे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया है जिनके माँ बाप मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। हमारी मम्मी झाड़ू पोछा करती है, हमारे पापा भी झाड़ू पोछा करने जाते हैं और दीदी हमको एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाती है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मैथ पढ़ाती हैं। उनको यहाँ पे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग केंद्रों में चलती फिरती पाठशाला लगाकर इन बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, ताकि इन सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस खास अभियान के चलते जहाँ सैकड़ों बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, वही जुवेनाइल क्राइम पर भी लगाम लग रही है और ऐसे मामलों में कमी आ रही है। जो रोड साइड बच्चे हैं उनको हम सब लोग एजुकेट कर रहे हैं और इसमें हमारी जो नन्हे परिंदे परियोजना है, एक बच्चों से शुरू होकर लगभग 2000 बच्चे अभी तक पहुंच चुके हैं। उसमें से लगभग 250 बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस में उन्होंने एडमिशन ले लिया है और अभी की लगभग देखा जाए तो लगभग 8 लोकेशंस पे ये हमारी बसेस वैन्स वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जो हमारे रोड साइड बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसे बच्चों को हम सब लोग वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और लाके उनको पढ़ाते हैं। अलग अलग केंद्रों में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ कई तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सिखाई जाती है, जिससे बच्चों में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाया जा सके। नोएडा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के जरिए अब तक 2000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया जा चुका है। वहीं करीब 250 से ज्यादा बच्चों को अलग अलग स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। समाज में अपना अस्तित्व खोते जा रहे इन नन्हे परिंदों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नोएडा पुलिस और उनके साथ जुड़े सभी संगठनों को श्रेष्ठ भारत का सलाम।